अवज़ुब्लिन बिस्मिल्रिम असल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तो माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे एम सी एम थ्री जीरो वन कम्युनिकेशन स्किल्स का असाइनमेंट नंबर वन का सोलूशन सेमस्टर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू असाइमेंट नंबर वन कम्युनिकेशन स्किल्स एम सी एम थ्री जीरो वन की आप लोगों की अपलोड हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो यकम दिसंबर है ठीक है टॉपिक आप लोगों का क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इसके जो टोटल मार्क्स हैं तो वो हैं फिफ्टीन ठीक है इसका जो क्वेश्चन का बैकग्राउंड है उसको रीड करने से पहले उसके अलावा क्वेश्चन को रीड करने से पहले बाकी इस असाइनमेंट को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस हम उनको देख रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी मार्क्स बताए गए हैं कि टोटल है इसके 15 मार्क्स हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे इसकी ओपनिंग डेट नवंबर ट्वेंटी फाइव और इसकी लास्ट डेट क्या है यकम दिसंबर ठीक है तो तकरीबन आपके पास पाँच से छः दिन का टाइम है और उसमें आप लोग इस असाइनमेंट को ईजीली कर सकते हैं ठीक है बाकी यहाँ पे एक और बात कि आप लोगों को ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है मतलब कि एक दिन का टाइम एक एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड के तौर पर दिया जाता है जो कि लास्ट डेट की बात तो इस तरह आप लोग इस असाइनमेंट को दो दिसंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ और बेसिक गाइडलाइन है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस असाइनमेंट को एम एस के अंदर बनाना है ठीक है और उसके बाद कोई भी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद ई के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी उसके अलावा आप लोगों ने एम एस वर्ड में बनाते हुए इसको जो फोर्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन और उसके बाद फोर्ट साइज आप लोगों ने टेल रखना है उसके बाद आपको ये कहा गया कि आपने इसको एम एस के ही अंदर बनाना है ठीक है कोई और सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मतलब कि अगर आप लोग बनाना चाहें तो भी आप लोग इसको बना नहीं सकते इसलिए बेहतर है कि आपने इसको एम एस वर्ड में बनाना है और उसी का जो मतलब कि उसी एम एस वर्ड की फाइल को आपने सबमिट करवाना है उसके बाद इसका जो फॉन्ट का कलर है वो आप लोगों ने ब्लैक रखना है या ब्लू रखना है तो ये दो कलर्स वैसे जो मतलब कि बेस्ट होता है वो ब्लैक ही होता है अगर आप फिर भी साथ कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं हाई लाइटिंग के तौर पर यह कहीं भी आपको लगता है कि कोई और कलर साथ में यूज़ करना चाहिए तो वो आपका सेकेंड कलर ब्लू आप लोग यूज़ कर सकते हैं बाकी यहाँ पे कोई खास बात नहीं है इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दें ये कोई खास बात नहीं है कोई मैटर नहीं करता आप सिंपली अब क्या करना है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि यहाँ पे देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका टॉपिक है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें आप लोग वर्ड्स का सहारा नहीं लेते ठीक है जिसमें आप लोग अपनी बात दूसरों को अपने मुँह से अपने अल्फाज के ज़रिए नहीं बताते हैं वो सारी जो होती है बाकी इसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो इसमें आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन सबसे पहले मतलब कि चेहरे के जो तासरात होते हैं ठीक है सबसे पहली बात कि आप इसके थ्रू भी दूसरों को कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके बाद गेस्चर्स उसके बाद आई कॉन्टैक्ट ठीक है तो ये तमाम चीज़ें किस में आ रही हैं ये आती हैं इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो है फेशियल एक्सप्रेशन को लेकर कि चेहरे के जो तासुर होते हैं उनको लेकर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनलिस्ट एनी फाइव फेशियल एक्सप्रेशन विथ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस अब आपने क्या करना है कि आपने कोई से पाँच फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हैं कि चेहरे के जो तासरत होते हैं व अनलिमिटेड है ठीक है हर मतलब कि जो आप यानी कि जिस तरह भी आपका फेस होगा ठीक है उस टाइम मतलब कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस तरह आप रिएक्ट करते हैं तो उस तरह उस वक्त जो आपका फेस होता है वो उस टाइम मतलब कि जो आपकी फेस की कंडीशन होती है ठीक है तो वो फेशल यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ पर अब क्या है आपने कोई सी पाँच बताने और किस चीज़ के बताने कि विद पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस ठीक है एक तो आपने उनके नाम बताने हैं कि कौन कौन से हैं मतलब कि जिस तरह हैप्पी होता है हैप्पी सैड बोर्ड ठीक है उसके बाद टायर्ड होता है कन्फ्यूज शॉक्ड तो इस तरह की जितनी भी मतलब कि आप जब आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो उस टाइम जिस तरह आपका फेस बनता है उसके बाद जब आप हैप्पी होते हैं आपका फेस कैसा बनता है उसके बाद जब आप सैड होते हैं इसी तरह बहुत सारे होते हैं कि जब भी आपको मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन होती है पर्टिकुलर तो उसके अंदर आपका जो चेहरे के तसुर होते हैं किस तरह के होते हैं तो उन पाँच तसुर की कोई से ऐसे पाँच तसुरत उनका नाम लिखना है उसके साथ उनकी पिक्चर भी आप लोगों ने देनी है और पिक्चर किन की हो योर फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की कि आपका जो फेवरेट एक्टर है या आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है ठीक है उनकी पिक्चर्स हों और उन उनके अंदर मतलब कि उनकी पिक्चर्स हों और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशनस हों नीचे आपने नाम लिख देना है कि इस फेशल एक्सप्रेशन का नाम ये है बाकी कुछ भी नहीं करना बहुत आसान तरीन असाइनमेंट है अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन मैंने इसको खुद अभी तैयार किया है अब यहाँ पर देखें पिक्चर नंबर वन आप लोगों ने यही काम करना है ठीक है बिल्कुल पहली बात हुई है कि आप इस असाइनमेंट को एम एस वैड में कन्वर्ट कर लें या अगर कन्वर्ट नहीं भी करना तो भी सिंपली आप लोग एम एस वैड के अंदर आकर ठीक है यहाँ पर देखें अब पहले तो आपके पास पिक्चर होगी तो ही आप लोग ये काम करेंगे लेकिन उसके बाद मैं पिक्चर का आपको बता दूँ कि पिक्चर आपको कैसे मिलेगी यहाँ पर देखिए पिक्चर वन आप लोगों को लिखना है नीचे आप लोगों ने पिक्चर ऐड कर देनी है ठीक है अब ये देखें ये इसका यहाँ से फेशियल एक्सप्रेशन आप देखें तो यहाँ से क्लियरली पता चला है कि हैप्पी है उसके बाद यहाँ पे देखें पिक्चर टू में तो ये सैड है ठीक है उसके बाद पिक्चर थ्री में देखें ये कन्फ्यूज ठीक है यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये कन्फ्यूज मतलब कि आपको यहाँ से ये यह अप, अपनी वर्ड वर्डिंग के थ्रू आपको नहीं बता रहा कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ लेकिन इस पिक्चर को देख कर हम इस चीज़ का आइडिया हो गया कि ये पिक्चर इस मतलब कि जो आदमी है यहाँ पर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है तो ये कन्फ्यूज है उसके बाद यहाँ पे शॉक्ड या सरप्राइज का जो मतलब के फेशल एक्सप्रेशन है वो ये होता है उसके बाद टायर्ड का होता है कि जब आप थक जाते हैं तो उस टाइम का इस तरह का आपका फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ठीक है तो ये तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया अब आप लोगों ने यही नहीं करने आप लोगों को अब यही वाले इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आपको कहाँ से मिलेंगे आपको पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगी उसके लिए आप लाने गूगल पे और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना है फेशियल एक्सप्रेशन विद नेम्स इस तरह आप लोग जैसे ही सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ठीक है आप लोग यहाँ पे पहले आल पे आते हैं आल पे आने के बाद आप यहाँ पे इमेजेस में आएंगे इमेजेस में आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के अब यहाँ पे पहली बात तो हो कि आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो भी ऑफिशियल एक्सप्रेशन ऐड करेंगे वो किसी एक ही बंदे के हों जिस तरह आपको ये एक ग्रुप नज़र आ रहा है इस तरह आपको यहाँ पे ठीक है यहाँ पे कोई खास ग्रुप नहीं जिस तरह आपको यहाँ पे एक ग्रुप नज़र आ रहा है एक ही यहाँ पे फीमेल है इसी तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ठीक है आ, उसके बाद इस तरह आप लोग ढूंढेंगे ठीक है आप किसी एक ओपन करेंगे उसके बाद उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे नीचे आ, मतलब कि फिर आपको उसके रिलेटेड जो होते हैं वो आपको नीचे शो होंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे असाइनमेंट में ऐड किए हैं तो एक ही बंदे के हैं तो आप लोगों ने भी पहली कोशिश तो ये करनी है कि आपको एक ही बंदे के मिले एक ही बंदे के मिलेंगे मिलें। वो सबसे बेस्ट है अगर वो नहीं मिलते तो फिर आप लोग चलें मतलब कि तमाम के अलग अलग विकाल लें तो कोई मसला नहीं होगा लेकिन पहली ट्राई आप लोगों ने करनी है अब जहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ ठीक है ये पिक्चर आपके सामने है इसको ओपन किया ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है अब यहाँ पे देखें ठीक है ये सैडनेस है कंटेम्प्ट सरप्राइज एंगर इनके नीचे नाम भी लिखे हुए हैं आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसको आप लोग डाउन डाउनलोड करने की ट्राई करेंगे सेव इमेज एज करके ठीक है सेव इमेज एज़ अब यहाँ पे देखें जैसे मैंने सेव इमेज एज किया है तो यहाँ पे देखें ये वे, वेब पेज का फाइल है ठीक है ये इनकी वेब पेज है तो ये तो मैंने डाउनलोड नहीं करना मुझे तो इमेज चाहिए तो यहाँ पर इमेज डाउनलोड नहीं होगी तो इसका क्या तरीक़ाकार है इसका नेक्स्ट तरीकाकार ये होगा कि आप इसका स्क्रीन लेंगे ठीक है यहाँ पे स्नैपिंग टूल पे आप लोग आएंगे नीचे यहाँ पे देखें ठीक है यहाँ पे स्नैपिंग टूल आपको नजर आ रहा है स्नैपिंग टूल में आने के बाद ये मैंने ऑलरेडी पहले के लिए था मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पे स्नैपिंग टूल में आप लोग यहाँ पे आएंगे और स्नैपिंग टूल में आने के बाद ठीक है यहाँ इस चीज़ का आप लोग स्नैप ले लेंगे आपको पाँच चाहिए आप यहाँ पे छः के ले लेंगे ठीक है मतलब कि पाँच चाहिए तो बाकी तो क्रॉप हो जाएंगी तो यहाँ पे ये पांच हो गई हैं ठीक है ये पांच इसको आप कहीं पे सेव करेंगे इसको हम लेट्स सपोज यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर एम सी एम के नाम से एम सी एम थ्री जीरो वन के नाम से सेव करते हैं सेव करने के बाद ठीक है ये सेव हो गया तो सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पे एम एस वाड में आएंगे एम एस वाड में आपको बिल्कुल टॉप पे इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर्स और पिक्चर में जाने के बाद ये देखिए अभी हमने जो सेव किया था एम सी एम थ्री जीरो वन के नाम से ठीक है तो इसको हम इंसर्ट करेंगे अब यहाँ पे हम जैसी इसको ठीक है सेलेक्ट करते हैं इन्जर्ट किया है तो ये हमारी इन्जर्ट होगी है अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने इनको वन बाई वन क्रॉप करना है तो ये आपको बिल्कुल टॉप पिक क्रॉप का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ठीक है मैंने कहीं भी नहीं किया सिंपली पिक्चर को सिलेक्ट किया है और पिक्चर के ऊपर अगर अगर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रॉप का ऑप्शन ओपन होगा इसके ऊपर आप लोग जैसी क्लिक करेंगे तो आपने एक एक पिक्चर को यहाँ पे एक को अलग करना है ठीक है ये इस तरह करके और इसको नीचे से करके ठीक है ये इसको अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है अगर आप इसके साथ ये नाम रहने देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि नाम आप खुद लिखें तो भी आप लोग कर सकते हैं इसको नाम को भी ग्रॉप कर लें अगर आप चाहते हैं कि नहीं नाम भी लिख रहा है तो वैलेंट गुड ठीक है तो ये हो गया इसको हम सिंपली अब यहाँ पर आप इसको इस तरह करके सेटिंग कर लेंगे जितना आपको चाहिए होगा ठीक है ये अब इसको आप लोगों ने इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे टैक्स रैपिंग में आएंगे और जहाँ पर स्क्र में क्लिक करके आप इसको कहीं भी मूव आउट कर सकते हैं ठीक है जितना आपको जहाँ पे मूव करना है ये मूव हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया इसी तरह आप दोबारा आप लोग इन्जार्ट में आएंगे ठीक है दोबारा इन्जार्ट में आने के बाद दोबारा पिक्चर लगाएंगे ठीक है यहाँ पे तो अब यहाँ दोबारा इन्जार्ट में आते हैं दोबारा इन्जार्ट में आने के बाद दोबारा वही पिक्चर दोबारा वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है अब की बार हम लोग यहाँ पर दोबारा इसको क्रॉप करेंगे और अब पहले हमने पहले पिक्चर को किया अब हम सेकेंड पिक्चर को करेंगे ठीक है ये काम आप लोगों ने करना है तो ये सेकेंड हो गई है ठीक है ये ये अब हमारी सेकंड पिक्चर पहली वाली पिक्चर भी और ये हमारी अब सेकंड वाली पिक्चर है तो ये हमारी सेकंड वाली पिक्चर है ठीक है अब हम यहाँ पे इसको भी इस तरह एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इसको हम अटैक्स रैपिंग में स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद हम इसको जहाँ पर मूव करना चाहते हैं इधर कर लें कोई मसला नहीं है उसके बाद इसको एडजस्ट कर लें जितना साइज आपको इसका चाहिए ठीक है बेशक आपको इसको मतलब कि बड़ा साइज़ चाहिए तो भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको इसका छोटा साइज चाहिए तो भी आप लोग जितना आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है तो वो आप लोग लो कर सकते हैं तो यहाँ पे दो पिक्चर हमारी हो गई हैं इसी तरह ये काम आप लोगों ने बाकी पिक्चर के क्लिक करना है एजाट में जाना है सिंपली पिक्चर आपके पास ऑलरेडी है तो मेन मकसद क्या है मेन तरीकाकार क्या होगा मेन जो आप लोगों ने काम करना है वो होगा कि आप लोगों ने पिक्चर को पहले डाउनलोड करना है तो पिक्चर अब मुझे तो यहाँ पर मिल गई है इसी तरह आप देखें मैंने इसको जैसी ओपन किया है तो इसके रिलेटेड में मुझे मिल रही हैं ये देखें ये लड़की की मिल गई है मतलब कि अगर आपको फ़ीमेल की चाहिए इसी तरह अब यहाँ पर देखें और मिल गई हैं उसके बाद यहाँ पे देखें कुछ और मिल गई हैं इसी तरह यहाँ पे देखें कुछ और मिल रही हैं तो नाम आप लोगों ने खुद से अगर अगर आपको साथ नाम नहीं भी मिलता है ना तो भी आप लोगों ने नाम खुद इसके नीचे कुछ ना कुछ लगा देने हैं ठीक है तो यहाँ पे देखें आप यहाँ पे देखें ये डिफरेंट आपको मिल रही है एक इंसान की हैं इसी तरह आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके रिलेटेड में आपको मिलेंगी तो वो इस तरह की होंगी अब यहाँ पे देखें इस तरह यहाँ पे देखें आप इस तरह यहाँ पे देखें अब ये एक और हमें मिल गई है इसी तरह यहाँ पे देखें तो डिफरेंट किस्म की आपको यहाँ से इसके रिलेटेड में मिल जाएंगी इसके अलावा अगर आपको कोई फेवरेट बंदा है उसके आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जिस तरह हम लोग लिखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ ऑफ इमरान खान ठीक है इमरान खान के आप लोग को अगर चाहिए तो तो यहाँ पे लेकिन उसको अपना नाम खुद देना होगा यहाँ पे देखें फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमरान खान तो यहाँ पे देखें एक ये हो गया उसके बाद एक ये हो गया उसके बाद एक ये हो, हो गया एक ये हो गया उसके बाद एक ये एक ये एक ये एक ये डिफरेंट किस्म के आप यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं ठीक है तो इनका आप लोग सिंपली नाम ऐड करेंगे ठीक है जिस तरह ये हो गया एक ये हो गया तो इस तरह आप लोग इनका यहाँ पे पिक्चर पिक करेंगे पिक्चर पिक करने के बाद आपको नाम की आसानी से समझ आ जाएगी कि जो आपको लग रहा है कि खान साहब यहाँ पर इस पिक्चर का क्या मतलब है वो आपने सिंपली उसको नीचे नाम दे देंगे तो इस तरह आप लोग यहाँ पे आसानी से ठीक है कोई भी आपकी कोई और फीमेल एक्ट्रेस फेवरेट है मायरा खान ठीक है जो भी हैं तो यहाँ पर आप लोगों उनका नाम लिखना है नाम लिखने के बाद फेशियल एक्सप्रेशन आप लोग सर्च करेंगे आपको काफ़ी सारी उसकी इमेजेस मिल जाएंगी उसके बाद शाहरुख खान की करनी है सलमान खान की करनी है जिसकी भी करनी है सिंपली उसका नाम साथ फेशियल एक्सप्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे ठीक है उसके बाद आप लोग यहाँ से पिक्चर डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने के बाद अगर डाउनलोड होती है अगर डाउनलोड नहीं होती उसका स्क्रीन बनाएंगे स्क्रीन बनाने के बाद आप एम एस में जाएंगे एम एस की फाइल में आप इसको सिंपली ऐड कर देंगे और उसको एडजस्ट करेंगे क्रॉप करेंगे जो तरीके कार मैंने आपको बता दिया तो इस तरह आप लोग आसानी से पाँच मिनट आपकी सर्चिंग के लाग जाएंगे पाँच मिनट आपकी एडजस्टमेंट में और टोटल दस से पंद्रह मिनट में आप लोग अपने असाइनमेंट को ईजिली तैयार कर लेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आज आपको इस वीडियो में बताइए आपको उससे समझ आ गई होगी अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है और अगर आपको किसी बात की किसी पॉइंट की समझ नहीं आई आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं इनशाला आपको एंड टाइमली रिप्लाई दूँगा ठीक है और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आपको गलाज में प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैसर के वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका फायदा हो सके ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देने अला हाफ़ थैंक यू सो मच